नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब हम अपने पाठ्यक्रम को मात्राओं को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या किया। क्लास वर्क में हमने ए की मात्रा का कठिन शब्द लिखा, जिसमें वैभव, पैदल, खैर, चकमा, खर्चा, सैनिक, फुर्ती, उसके बाद एरावत, एटलेस, वैदिक। फिर हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे कि वैभव कैसे सैर करता था। उत्तर, वैभव पैदल सैर करता था। चकमा किसने दिया? चकमा बैल ने दिया। तीसरा प्रश्न है, सैनिक सी क्या आएगी? सैनिक सी फुर्ती आएगी। तो ये हमारे क्लास वर्क थे। हमारा नोटबुक और टेक्स्ट बुक डन हो गया। फिर हमने वर्कशीट में पेज नंबर 11 होमवर्क में किया, ए की मात्रा का कक्का लिखो, फिर किया मात्रा जोड़कर शब्द बनाओ। ओके, अब जो है हम आज वर्कशीट करेंगे इस चैप्टर का। अब वर्कशीट में हमारा है, देखो वर्कशीट में हमारा है चित्रों के नाम लिखिए। तो पहला चित्र किसका है? हमारा पहला चित्र तैराक का है। किसका है? तैराक का। हम लिखेंगे तैराक, तब पे ए की मात्रा तय, र पे आ की मात्रा रा और क, तैराक। दूसरा चित्र किसका है? ऐनक। तो हम लिखेंगे ए न और क, ऐनक। फिर तीसरा चित्र किसका है? मैना, क्योंकि हम ए की मात्रा पढ़ रहे हैं, म पे ए की मात्रा मैं, न पे आ की मात्रा ना, मैना। चौथा चित्र किसका है? पैर, पपे ए की मात्रा पै और र, पैर। ओके, फिर है जो पांचवा चित्र थैला, थपे ए की मात्रा थै, लपे आ की मात्रा ला, थैला। छठवां चित्र सैनिक, सपे ए की मात्रा सै, नपे छोटी ई की मात्रा नी और क, सैनिक। उसके बाद चित्र किसका है? बैल का। किसका? बैल, बपे ए की मात्रा बै और ल, बैल। ओके, तो ये हमारे चित्रों के नाम हो गए। अब जो है हम करेंगे पठित गद्यांश। क्या करेंगे? पठित गद्यांश। चलो अब हम पढ़ते हैं पठित गद्यांश। वैभव पैदल करता सैर, ना है किसी को उसका बैर, तैरे नदी पार कर जाए, सदा सभी की खैर मनाए। तो ये हमारे जो है पठित गद्यांश है, हमने पढ़ा भी है इसको। फिर है दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। वैभव कैसे करता से, तो वैभव कैसे करता से, देखो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर जो है यहाँ है, वैभव पैदल करता से। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? हम यहाँ से देख के यहाँ लिखेंगे, वैभव कैसे सैर करता? पैदल सैर करता। वैभव पैदल करता सैर, तो वैभव पैदल करता सैर हो गया हमारा। उसको किसी का क्या नहीं है, तो उसको किसी का क्या नहीं है, किसी का बैर नहीं है, उसको किसी से बैर नहीं, किसी से क्या नहीं है, उसको किसी का क्या नहीं है, ना है किसी को उसका बैर। ठीक है, तो दूसरा हो गया, उसको किसी का क्या नहीं है, उसको किसी का नहीं, किसी से, किसी से, उसको किसी से बैर नहीं है, उसको। देखो यहाँ से हम लेंगे, बट यहाँ थोड़ा लॉजिक है, तो इसलिए उसको किसी से बैर नहीं है, उसका, उसको किसी से बैर नहीं है, किसी से बैर नहीं है। यहाँ थोड़ा लॉजिक है आप लोगों का। ओके, तो उसको किसी से क्या नहीं है, उसको किसी से बैर नहीं है। फिर पेज नंबर, सदा सभी की क्या मनाए, तो यहाँ होगा, हमने पढ़ा ही है, सदा सभी की, सभी की खैर मनाए। सदा सभी की क्या मनाए? सदा सभी की खैर मनाए हो गया।
अब देखो हम अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। नैना शैलजा कैलाश और वैभव नैनीताल गए। नैना शैलजा कैलाश और वैभव कहाँ गए? नैनीताल गए। नैनीताल बहुत सुंदर खूबसूरत शहर था। वह नैनीताल कैसा शहर था? बहुत खूबसूरत शहर था। वे कैमरा भी ले गए। तो दिए गए पद्यांश में से देखकर सही पे टिक लगा। नैनीताल कैसा शहर था? सुंदर या खूबसूरत? नैनीताल बहुत खूबसूरत शहर था, तो हम खूबसूरत पे टिक करेंगे। ओके, फिर है वे वहाँ क्या ले गए? वे कैमरा भी ले गए। टीवी या कैमरा? कैमरा। नैना शैलजा कैलाश और वैभव कहाँ गए? दिल्ली या नैनीताल? नैनीताल गए, है ना? तीनों लाइन से यही सही है। तो जो है ए की मात्रा का हमारा टेक्स्ट बुक कम्प्लीट हो गया, नोटबुक कम्प्लीट हो गया, वर्कशीट भी कम्प्लीट हो गई। ओके, एक बार हम वर्कशीट का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कैसे हमने किया? देखो, चित्रों को उनके नाम से लिखिए। चित्रों के नाम लिखिए। पहला चित्र तैराक, दूसरा चित्र ऐनक, तीसरा चित्र मैना, चौथा चित्र पैर, पांचवा चित्र थैला, छठवा चित्र सैनिक, सातवां चित्र बैल। ओके, फिर पठित गद्य। वैभव पैदल करता सैर, ना है किसी को उसका बैर, तैरे नदी पार कर जाए, सदा सभी की खैर मनाए। वैभव कैसे करता सैर? वैभव पैदल करता सैर, उसको किसी से क्या नहीं है? उसको किसी से बैर नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न है, सदा सभी की क्या मनाए? सदा सभी की खैर मनाए। फिर अपठित गद्यांश है, नैना शैलजा कैलाश और वैभव नैनीताल गए। कहाँ गए? नैनीताल। नैनीताल बहुत खूबसूरत शहर है। वे कैमरा भी ले गए। फिर दिए गए पद्यांश में सही उत्तर पर टिक लगाना था। नैनीताल कैसा शहर था? सुंदर या खूबसूरत? खूबसूरत था। वे वहाँ क्या ले गए? वे वहाँ कैमरा ले गए। नैना शैलजा कैलाश और वैभव कहाँ गए? नैनीताल गए। तो हमारा ए की मात्रा जो है टेक्स्ट बुक, नोटबुक, वर्कशीट तीनों का कंप्लीट हो गया। तो आपको अगर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करना और पूछना क्या है कैसे है। ओके बच्चों, चलो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर करेंगे। हमारी ग्रामर की टेक्स्ट बुक मैं आपको समझा देती हूँ। आज का होमवर्क आपका, ये हमारी व्याकरण की टेक्स्ट बुक है जिसमें फोर चैप्टर हमने तो TA1 में किया। अब यहाँ से हमारा Term 1 स्टार्ट होगा, TERM, Term 1। तो हमारा ग्रामर का Term 1 स्टार्ट होगा, नाम वाले शब्द। तो ये आपको रीड करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रामर करवाऊँगी, ग्रामर का Chapter 5 करवाऊँगी। तो आज आपका होमवर्क है कि ग्रामर का Chapter 5 आपको रीड करना है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन और इसके एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।